आज टॉपिक है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये 84 नंबर पेज पे है, आप लोग उस पे आ जाओ। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि हम पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए जैसा पहले बताया है मैंने आपको कि आप स्टार्ट में जाके टाइप करोगे वर्ड, तो यहाँ हम टाइप करते हैं। टाइप करने से पहले याद रखना कि पेन और नोटबुक साथ में रखना, जो भी मेन मेन पॉइंट है उसको लिखते रहना। ओके, चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे टाइप करते हैं वर्ड WORD। जैसे टाइप करते हैं वैसे यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम अब बुक में जो दिया है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि MS वर्ड 2000 वर्ड। ओके, MS वर्ड 2010 बुलेट नंबर और मल्टी लेवल लिस्ट बनाने की सुविधा देता है। ठीक है, अब यहां पे दिया मल्टी लेवल लिस्ट, तो आगे हम देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। बुलेट लिस्ट में हर एक पैराग्राफ के पहले एक बुलेट होता है। ठीक है, इसी प्रकार नंबर लिस्ट में हर एक पैराग्राफ के पहले एक नंबर या अल्फाबेट दिया होता है। प्रत्येक लिस्ट के स्टाइल को बदला जा सकता है और हम विभिन्न प्रकार के बुलेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे दिया है पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। बुलेट लगाने के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट करें, अब लिस्ट से बुलेट चुनें। देखो, हमें क्या करना है कि पैराग्राफ एक बनाना है, तो हम जैसा कि पहले भी टाइप करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम टाइप करते हैं और रैंड। ये रैंड क्या होता है, देखो ये जो मैं टाइप करता हूँ रैंड, इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक दो तीन पैराग्राफ अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू रैंड आर, टाइप करेंगे आर ए एन डी, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ओपन और क्लोज दोनों साथ लगाएंगे, फिर एंटर प्रेस कर, एंटर जैसे प्रेस कर देंगे तो तीन पैराग्राफ अपने आप आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहां पे बुलेट कहां पे है, बुलेट एंड नंबरिंग, हम इंसर्ट में जाएंगे बेटा। इंसर्ट में जाने के बाद यहां पे आगे आते हैं, और सॉरी इंसर्ट में नहीं जाएंगे, हम होम में ही रहेंगे, और होम में जाने के बाद हम यहां पे आएंगे। ये देखो, ये है बुलेट्स और ये है नंबरिंग। ठीक है, याद रखना ये बुलेट्स है और ये है नंबरिंग। तो इसको यूज करने से पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ओके, पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। पहला क्या दिया था, टेक्स्ट सिलेक्ट करें, अब लिस्ट से बुलेट चुनें। ठीक है, यहां से मान लो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट दिस पैराग्राफ, हमें इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो यहां पे एक सिंगल क्लिक करेंगे एक लाइन के सामने, तो एक लाइन सिलेक्ट होगा, और दो बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन होने के बाद यहां पे आते हैं, यहां पे तीर पे क्लिक करते हैं। तीर पे देखो विभिन्न प्रकार का अलग अलग दिया है। ठीक है, मान लो जो हमें पसंद है उस पर क्लिक करेंगे, मान लो ये पसंद, इस पर क्लिक किया तो देखो यहां पे आ गया। ठीक है, और फिर इस पे अगर देना है तो इसको सिलेक्ट करो। ओके, सिलेक्ट करने के बाद अगर जो चाहिए उसको आप दे सकते हो, देखो यहां पे आ गया। ठीक है, तीसरा भी देना है तो इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, सिलेक्शन की प्रक्रिया आपके ऊपर है कैसे आप सिलेक्ट करते हो, मैंने बता दिया पहले ही, पैराग्राफ कई बार बता चुका हूं मैं। तो जैसे ये चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, देखो अलग अलग टाइप के ही बुलेट्स आ गए। अब अगर आप इसको बदलना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू चेंज दीज बुलेट्स, ओके बेटा, बदलना चाहते हो तो वापस आप जिस पे क्लिक करते हो और उस पे बदलना है तो आप बदल सकते हो। देखो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ आप सिलेक्ट करो और उस पे क्लिक कर दो तो भी वो सिलेक्शन ही माना जाएगा बुलेट्स के लिए। ठीक है, सिर्फ बुलेट्स के लिए सिलेक्शन माना जाएगा, बदल सकते हो अलग अलग प्रकार का। ओके, अलग चाहिए तो अलग कर सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो। क्लियर, आगे थोड़ा पढ़ते हैं बुक में।
दूसरा क्या है, लिस्ट से बुलेट स्टाइल को चुनें और नंबरिंग पर क्लिक करें और इसे समाप्त करने के लिए दोबारा प्रेस करें। ठीक है, वो तो बता ही दिया। थर्ड क्या है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें और बुलेट या नंबरिंग सिलेक्ट करें शॉर्टकट मेनू से, ताकि अवेलेबल स्टाइल्स को गैलरी में देख सके। देखो यहां पे जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं, ओके, और यहां पे, तो यहां पे बेटा मैं इसको सिलेक्ट किया और देखो एक तरीका यहां से होता है रिबन से, ये पूरा का पूरा रिबन कहलाता है, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। एक तरीका होता है रिबन से बुलेट निकालना, एक तरीका होता है राइट क्लिक से। यहीं पे राइट क्लिक करो, जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो एक छोटा सा मेनू प्रकट होता है जिसे सब मेनू बोलते हैं। यहां पे देखो बुलेट्स दिया है, बुलेट्स के सीध में जाते हैं इधर, पूरा देखो पूरा पूरा लिस्ट, वही लिस्ट यहां पर भी उपलब्ध है। ओके, तो आप इस तरीके से भी राइट क्लिक करके भी आप बुलेट्स आराम से देख सकते हो, बदल सकते हो। यहां पे कोई भी लेना हो, जो भी बदलना चाहते हो आप इजिली यहां से बदल सकते हो। देखो यहां पे बदल गया, ओके, या तो रिबन के द्वारा या तो राइट क्लिक के द्वारा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। चौथा दिया है कि बुलेट और नंबर्स टेक्स्ट की लाइन के शुरू में दिखाई देता है और एंटर प्रेस करने पर बुलेट लग जाता है। देखो अब अगर मान लो यहां पे ये जो बुलेट है इसकी जगह हम नंबर चाहते हैं 1, 2, 3, ओके, तो क्या करेंगे, यहां पे सिलेक्ट है ही है, यहां पे जाते हैं नंबर पे क्लिक करते हैं एरो पे, यहां पे देखो मैंने इधर क्लिक किया, देखो 1 आ गया, और यहां पे सिलेक्ट करो, ओके, यहां पे दो बार सिलेक्ट किया, दो बार क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट हो गया, यहां से फिर क्लिक किया और यहां पे भी 1 आ गया। मैं 2 देना चाहता हूं तो मैं 2 पे क्लिक करूं तो भी नहीं आ रहा, तो अगर एक साथ क्लिक करेंगे तभी आएगा। जैसे मैं यहां से पूरा को पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर दूं, ठीक है, और फिर मैं नंबरिंग पे क्लिक करूं तो देखो यहां पे, देखो 2 मिनट जरा, ओके, तो मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और यहां पे क्लिक करता हूं, देखो क्लिक किया 1, 2, 3, हर एक पैराग्राफ पे एक नंबर आ गया, मतलब जहां जहां बुलेट्स था वहां नंबर आ गया, इसको बोलते हैं नंबरिंग। ओके, तो अगर आप यहां से भी राइट क्लिक करके नंबरिंग देना चाहते हो तो यहां पे देखो नंबरिंग है, राइट क्लिक करते हो तो सब मेनू प्रकट होता है और यहां पे देखो नंबरिंग दिया है, तो ABC भी दे सकते हो आप। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूं तो देखो ABC, ओके, ये आपका हो गया बुलेट्स एंड नंबरिंग, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है बेटा यहां पे टेबल का मैनिपुलेशन, मतलब बदलाव करना, टेबल मैनिपुलेशन। ओके, तो हम हिंदी वाले पे आते हैं 87 नंबर पेज पे, 87 नंबर पेज पे, यहां पे देखें पढ़ते हैं, स्टार्ट यहां से होगा हिंदी का। दिया है यहां पे कि आप टेबल का उपयोग विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जैसे वित्तीय रिपोर्ट, कैटलॉग और बायोडाटा बनाने के लिए कर सकते हैं। एमएस वर्ड टेबल क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर कॉलम से मिलकर बनता है। एरिया जिसमें टाइपिंग की जाती है उसे सेल्स कहते हैं। सेल्स टेक्स्ट, नंबर और ग्राफिक्स शामिल कर सकता है। आप भी आकार और सेल्स की उपस्थिति को नियंत्रित और सीमा और शेडिंग फीचर का उपयोग कर सकते हैं। आप एक टेबल में से रो और कॉलम्स को हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम आगे जो पढ़ा है हमने, आगे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, पहले ये भी पढ़ लेते हैं। दिया है टेबल, देखो टेबल होता क्या है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, ठीक है, पहले इसको डिलीट मार देता हूं। तो यहां पे यहां से राइट क्लिक करता हूं और यहां पे देखो डिलीट दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, कीबोर्ड पे जो डिलीट बटन है उस पर दबा दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम करता हूं, जूम करके जाता हूं, ये कहां मिलता है बेटा, ये मिलता है आपको इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहां पे देखो टेबल दिया है, ठीक है, टेबल क्या होता है ये देखो मैं बताऊंगा कैसे बनता है ये, इसको बोलते हैं बेटा टेबल, क्या बोलते हैं टेबल। ठीक है, थोड़ा पढ़ता हूं तो और उसको क्लियर करता हूं। यहां पे दिया है कि टेबल, बुक में पढ़ते हैं, एक टेबल रोज और कॉलम्स के साथ बना होता है जिसमें आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स का, सॉरी ग्राफिक्स को फिल कर सकते हैं।
कॉलम में संख्याओं के लिए रो में टेबल्स का उपयोग करें और उसके बाद से हल कर उन पर गणना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप भी पेज लेआउट बनाने और टेक्स्ट और ग्राफिक्स की व्यवस्था करने के लिए टेबल्स का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे। पहले क्या दिया, रो, ठीक है। एक रो टेबल की पूरी चौड़ाई के बीच की सेल का एक क्षैतिज खंड है। अब देखो ध्यान से, रो किसे बोलते हैं बेटा? रो मतलब होता है पंक्ति, ये पूरी की पूरी एक पंक्ति, देख रहे हो, इसको बोलते हैं रो, याद रखना, भूलना मत। और रोज मतलब बहुत सारे रोज, मतलब यहां पे कितने रोज हैं बेटा, 1 2 3 4, चार पंक्तियां हैं, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है। नेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं क्या दिया है, कॉलम्स। एक कॉलम तालिका के सेल की एक बड़ी खंड है, याद रखना, एक खड़ी खंड है। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम इसको बोलते हैं खाना, ठीक है। इसमें कितने खाने हैं, एक खाना, ठीक है, और फिर क्या दिया है, दूसरा खाना, ये दूसरा खाना है, ठीक, और ये तीसरा खाना है, और ये चौथा, ठीक है। तो 1 2 3 4, इनको बोलते हैं बेटा कॉलम, ये खाने को बोलते हैं कॉलम, और बाएं से दाएं जो पंक्तियां हैं उनको बोलते हैं रो, ठीक है। और क्या दिया है, पढ़ते हैं, सेल, एक सेल एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। अब यहां पे देखते हैं बेटा, जैसे इसको बोलते हैं एक सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं, सॉरी, ये जो खाना है एक, यहां से जिसे मैंने लिखा है, मान लो कुछ लिख दिया, तो एक सेल में मैंने लिखा, दूसरे सेल में यहां पे लिखता हूं, ये दूसरा सेल है, ठीक है, यहां से लेके यहां से दूसरा सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है, याद रखना, ये जो बीच बीच में है इनको बोलते हैं सेल, ये कॉलम, सब कॉलम है, और ये रो, क्लियर। आगे पढ़ते हैं, टेबल ड्रॉ करना, मतलब टेबल बनाने के लिए, ठीक है, मैंने टेबल बनाया, लेकिन और भी देखेंगे कितने प्रकार से टेबल बनता है। पहले पढ़ते हैं बुक में, एमएस वर्ड 2010 का उपयोग आप टेबल ग्रुप से टेबल्स इंसर्ट करने और टेबल्स ग्रुप से टेबल बनाने के लिए करते हैं। टेबल्स बनाने के लिए पहला, इंसर्शन पॉइंट को उस जगह पर रखें, देखो बता रहे हैं यहां। ओके बेटा, तो पहले इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करने के लिए मैं क्लिक करता हूं, तो आपको बताऊंगा कैसे डिलीट होगा ये, और मैं यहां पहले इसको डिलीट करता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे काम करेगा। फिर नया टेबल ड्रॉ करना है, यहां पे दिया है टेबल ड्रॉ करना, पहले पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा दिया है, रिबन पर इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप पर क्लिक करें, टेबल्स ग्रिड दिखाई देगी, माउस को ड्रैग करके अनचाही रोज और कॉलम, मनचाही रोज और कॉलम्स को हाईलाइट करें, प्रदर्शित की गई ग्रिड आवश्यक रोज और कॉलम्स के नंबर्स को प्रदर्शित करती है, यही संख्या की ग्रिड मिल जाने के बाद माउस बटन पर क्लिक करें, अब एमएस वर्ड में एक खाली टेबल इंसर्ट हो जाएगी। टेबल ऑप्शन से टेबल उपयोग करने के लिए, ठीक है, अब इंसर्शन पॉइंट को उस जगह रखें जहां आपको टेबल्स बनानी है, टेबल्स ग्रुप के इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, रो और कॉलम्स को हाईलाइट करने के लिए माउस ड्रैग को खींचें, आप टेबल्स में अपनी इच्छा अनुसार सेल और कॉलम्स के नंबर्स इंटर करें, ओके बटन पर क्लिक करें। तो यहां पर दिया है टेबल ड्रॉ करना, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देखना, इंसर्ट पे जाते बेटा, यहां टेबल्स ग्रुप है, यहां पे क्लिक करते हैं, देखो अब ध्यान देखना, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। मैं यहां पे टेबल्स पे जाता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं, और थोड़ा और जूम करूंगा तभी क्लियर होगा, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है, यहां पे गया, और यहां पे देखो ये नीचे जो है रोज है ना, ये रोज और ये कॉलम्स, कितना चाहिए, मान लो हमें चाहिए 5 रोज, तो हम 1 2 3 4 5, और 4 कॉलम, 2 कॉलम हो गया, 3 4, अब इतना हो गया, बस इसी पे क्लिक कर दो माउस से, टिक, अब देखो आ गया बेटा, हो गया, ये बहुत आसान है, ठीक है, आप आसानी से करोगे, एकदम समझ में आ जाएगा। और भी तरीका है,
और भी तरीका देखना है तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ध्यान देखना। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, डिलीट। हाँ, डिलीट करने के लिए आप लेआउट में जाओगे, यहाँ पे डिलीट आपको मिल जाएगा कमांड, यहाँ पे क्लिक करो और नीचे डिलीट टेबल दिया, से क्लिक कर दो, पूरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। फिर से देखते हैं, यहाँ पे दिया है टेबल, अब जाते हैं टेबल, देखो यहाँ पे दिया है कि इंसर्ट टेबल, ठीक है। अब इंसर्ट टेबल क्या होता है, यहां पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टेबल का छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये पूछता है कि नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम के नंबर चाहिए। मान लो मुझे ये 6 चाहिए, ऊपर वाला क्लिक करेंगे तो बढ़ जाएगा बेटा, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हो। नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, मान लो 4 चाहिए, तो ऊपर क्लिक करता हूं बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 6, ओके बटन पे क्लिक कर दो, ये देखो आ गया, ठीक है। तो आसानी से आप बना सकते हो, प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा। दिया है टेबल्स में एंटर किए गए टेक्स्ट में एडिट करना, ठीक है, कुछ सुधार वगैरह करना, कुछ चेंजेस करना, बदलाव करना। पढ़ते हैं, आप एंटर किए गए टेक्स्ट में, एंटर मतलब जो आपने टाइप किया है, एडिट करने के लिए टेक्स्ट मैटर के साथ टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। माउस की एरो की के द्वारा उस जगह पर इंसर्ट करें जहां आपको टेक्स्ट टाइप करना है। सेल बॉर्डर्स मार्जिन के रूप में काम करते हैं। एमएस वर्ड 2010 अपने आप सेल को दाहिने कोने पर पहुंचा देते हैं। दिया है फिर क्या, माउस का उपयोग कर टेबल को हटाना, आप जिस सेल को हटाना चाहते हैं उस पर पॉइंटर से क्लिक करें। कीबोर्ड के द्वारा टेबल्स हटाने के लिए, जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो इंसर्शन पॉइंट बाईं ओर या अगली रो में चला जाता है। जब आप शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस टैब कीज एक साथ प्रेस करते हैं तो इंसर्शन पॉइंट दाहिनी तरफ या ऊपरी रो पर चला जाता है। आप एमएस वर्ड 2010 की सहायता से पैराग्राफ और टेक्स्ट सेल में अप्लाई कर सकते हैं। सेल पर आप एक साथ कई पैराग्राफ और फॉर्मेट्स लगा सकते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, सुधार करना। थोड़ा जूम करता हूं, मैं यहां पे कुछ टाइप कर लूं तो अच्छा रहेगा। टाइप करने के लिए बेटा यहां पे डबल क्लिक करो, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट दिख जाएगा। मैं टाइप करता हूं जैसे मारिकपुर, एम ए आर आई के पी यू आर, ओके। नेक्स्ट टाइप करता हूं चिटको, ठीक है, सी एच आई टी के ओ एम, ठीक है। मैंने इसे बेटा टाइप किया है, मैं इसमें कुछ सुधार करना चाहता हूं, ठीक है। तो जैसे आपने आगे पीछे देखा वर्ड में जब स्टार्ट किया था सुधार करना, वैसे ही सेम इसमें सुधार होता है बेटा। यहां पे क्लिक करो, जैसे चिटको में डबल के डालना चाहते हो वहां पे क्लिक करो, के डाल दो डबल के। यहां पे मारिकपुर हटा के मुझे, मान लो मुझे डालना है चंदवक, तो मैं यहां से बैकस्पेस मार के हटा सकता हूं और यहां पे टाइप कर सकता हूं बेटा चंदवक, सी एच ए एन डी डब्ल्यू ए के, बहुत आसान है, ठीक है। और माउस के द्वारा टेबल हटाना बता ही दिया है, लेआउट में जाके डिलीट क्लिक करोगे तो टेबल हट जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर बिना माउस के आप हर जगह टाइप करना चाहते हो तो कैसे टाइप करोगे। अब देखो मैं माउस छोड़ दिया हूं, ठीक है, माउस एक जगह खड़ा है, मैं टैब दबाता हूं, देखो अलग अलग जा रहा है। टैब दबाओगे क्या होगा, अलग अलग सेल में ये अपने आप जाएगा, क्या जाएगा, इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। जहां पे जाके वहां पे आप टाइप कर सकते हो, है ना, जहां भी ये जाएगा वहां पे बेटा आप टाइप कर सकते हो। अब आपको पीछे आना है तो शिफ्ट दबा के टैब दबाओ, देखो पीछे आएगा, आप पीछे आके कुछ कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट और टैब जो कीबोर्ड की बटन है बेटा, शिफ्ट दबा के टैब दबा के फिर आप किसी भी रो में जा सकते हो, और खाली टैब अगर दबाओगे तो आगे जाएगा, और जिस रो में, सॉरी, जिस सेल में कुछ टाइप करना है तो टाइप कर सकते हो, क्लियर। अलग अलग सेल में ये जाएगा, पीछे अलग सेल में जा रहा है, आगे करोगे तो बेटा टैब से अलग सेल में जाएगा, क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं क्या दिया है। यहाँ पे
सेल की चौड़ाई और ऊंचाई को बदलना, रो की ऊंचाई बदलना। एमएस वर्ड 2010 स्वचालित रूप से उच्चतम प्रविष्ट वाले कक्ष को समायोजित करने के लिए प्रत्येक रो की ऊंचाई सेट की जाती है। उदाहरण के लिए, एक रो में यदि एक सेल हाई टेक्स्ट या ग्राफिक्स, तो उस विशेष रो में सभी सेल उसमें समायोजित हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रो की ऊंचाई एडजस्ट करने के लिए, जहां आप अपनी ऊंचाई को बदलना चाहते हैं उस पंक्ति में क्लिक करें। स्क्रीन के बाएं किनारे पर या रो के शीर्ष पर माउस पॉइंटर द्वारा वर्टिकल रूलर ले जाएं, रो की ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्या दिया है, माउस बटन को छोड़ दें या लेआउट टैब की टेबल टूल्स पर क्लिक करें और रो की हाइट को बदलने के लिए स्क्रॉल बार पर क्लिक करें। आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे जो दिया है, आगे दिया है कॉलम की चौड़ाई बदलना, माउस का उपयोग कर कॉलम की चौड़ाई बदलना। एक कॉलम बाउंड्री को चुने, डबल एरो वाले पॉइंटर से आकार बदलें, कॉलम की चौड़ाई को नीचे रूलर, ओके नीचे क्या दिया है, रूलर, ओके रूलर सेटिंग एक डॉटेड लाइन दिखाएगा। जब माउस आपकी इच्छा अनुसार चौड़ाई ले ले तो माउस छोड़ दें। नेक्स्ट क्या दिया है, स्क्रॉल बॉक्स के टेबल की चौड़ाई पर क्लिक करें और सेल साइज ग्रुप से टेबल की चौड़ाई बदलें। देखो, दो प्रकार से होता है, मैं थोड़ा जूम करता हूं बेटा। दो प्रकार से आप कर सकते हो, जैसे चौड़ाई या ऊंचाई बदलनी। देखो, मैं यहां जाता हूं, डिजाइन या लेआउट दो प्रकार के, ये याद रखना। जैसे आप अगर टेबल के बाहर क्लिक करते हो, क्लिक किया तो देखो यहां पे दोनों टैब गायब हो जाएंगे, डिजाइन और लेआउट नहीं दिखेंगे। आप अगर जैसे ही क्लिक करोगे टेबल के अंदर, देखो दोनों प्रकट हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। क्लिक किया, देखो आ गए, याद रखना ये बात, भूलना मत। तो लेआउट में चलते हैं, लेआउट में दिया देखा हाइट और विड्थ। देखो ध्यान से, मैं चंदौक वाले की हाइट बढ़ाना चाहता हूं, तो हाइट पे देखो यहां पे दो बटन दिया है, यहां पे क्लिक करता हूं, देखो बढ़ रहा है ना, घटाऊंगा तो घट रहा है। ऐसी चौड़ाई बढ़ानी है तो यहां पे क्लिक करो, बढ़ेगी और घटेगी। और एक चीज और है, अब यहां से मुझे नहीं बढ़ानी है हाइट और विड्थ, मतलब चौड़ाई, मैं यहां से बढ़ाना चाहता हूं। देखो यहां से डबल हैंडेड एरो आ गया, देखो ये बढ़ गया और ये घट गया। अगर इसकी ऊंचाई बढ़ानी है, कम करनी ज्यादा है, तो यहां पे देखो अलग अलग टाइप का है, लेकिन ये सक्सेस नहीं होता है ना, तो इसके चक्कर मत पड़ना, कभी कभी क्या धोखा दे देता है ये। तो यहां से नहीं करोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, आप यहीं से करना बेटा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां के चक्कर मत पड़ना कभी ये, क्योंकि यहां से पॉइंट ये नंबर बताता है बेटा, यहाँ पे कितना 18 है या 33 है, जितना भी है 1. समथिंग जो भी है, तो क्लियरली बताता है, आप इजिली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करोगे तो आपको अंदाज नहीं आएगा कितना चौड़ा और कितना ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं से करना आप, अच्छा रहेगा। तो आपकी, आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिकल कर लिया हाइट और विड्थ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्या दिया है, आगे दिया है यहाँ पे रो और कॉलम को डिलीट या इंसर्ट करना। रो को इंसर्ट करना, मौजूद टेबल के अंत में एक नई रो को जोड़ने के लिए इंसर्शन पॉइंट को अंतिम रो के किसी सेल में रखें और टैब बटन दबाएं। एमएस वर्ड अंतिम रो की एग्जिस्टिंग स्टाइल जैसी एक नई रो इंसर्ट कर देगा। टेबल के मध्य में सिंगल रो डालने के लिए, पहला, जहां आप रो को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर इंसर्शन पॉइंट को रखें। दूसरा, राइट क्लिक करें और जब इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें एक सब मेनू खुल जाएगा। सब मेनू में रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में इंसर्ट अबव या बिलो पर क्लिक करें, एक नई रो एग्जिस्टिंग रो के ऊपर या नीचे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कई पंक्तियां जोड़ने के लिए या तो राइट माउस बटन पर क्लिक करके डालें
या आप मौजूद पंक्तियों का चयन करके उन्हें इंसर्ट कराएं। एमएस वर्ड 2010 के द्वारा आप कई रोज जोड़ सकते हैं। ठीक है, कॉलम को भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ में प्रैक्टिकल करते हैं। पढ़ते हैं कॉलम्स को इंसर्ट करना। टेबल के मध्य में कॉलम डालने के लिए आप जहां कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां सिलेक्ट करें, नया कॉलम दिखाई देगा। ठीक है, आगे दिया है सेकंड लेआउट कॉन्टेक्स्टुअल टैब पर क्लिक करें। हाँ, ये एक याद रखना, इन दोनों को कॉन्टेक्स्टुअल टैब बोला जाता है, डिजाइन और लेआउट को, जो समय पे प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे क्लिक करूं, सॉरी बाहर क्लिक करूं तो नहीं रहते हैं, और अंदर क्लिक करूं तो प्रकट हो जाते हैं, इसलिए इनको कॉन्टेक्स्टुअल टैब बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, रोज और कॉलम्स ग्रुप में ऊपर या नीचे क्लिक करें, नई कॉलम इंसर्ट कर उसे सिलेक्ट कॉलम के ऊपर डाला जाता है। थर्ड, एमएस वर्ड 2010 में एक नया कॉलम जोड़ना होगा, लेकिन यह इस नए कॉलम को समायोजित करने के पहले कॉलम की चौड़ाई नहीं बदलेगा। अपने पेज पर बढ़े हुए टेबल को फिट करने के लिए आदेश में आप मार्जिन कॉलम की चौड़ाई या परिवर्तन पेज ओरिएंटेशन को समायोजित करना होगा। चौथा, नई कॉलम पहले कॉलम की फॉर्मेट मतलब प्रारूप को रखती है, लेकिन सीमाओं को नहीं बदला जा सकता है, जो एडजस्ट करने के लिए कॉलम के प्रारूप को बरकरार रखेगा। आप नए कॉलम के वांछित स्थान के अधिकार के लिए नए लोगों को सम्मिलित करना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, तो कई मौजूद कॉलम को चुनें, और यदि आप तीन कॉलम एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो लेफ्ट बटन क्लिक कर इंसर्ट मतलब सम्मिलित कॉलम क्लिक करें। इच्छा अनुसार बिंदु के दाईं तीन मौजूदा कॉलम्स का चयन करें। देखो बहुत आसान है इंसर्ट करने के लिए, मैं दिखाता हूं आपको। देखो यहां पे लेआउट में ही जाएंगे हम, मान लो यहां पे कुछ और लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं एलपी, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ओपी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं चंदवक और एलपी के बीच में एक नया पंक्ति आ जाए, नया रो आ जाए। ठीक है, तो मैंने अभी वर्तमान में किस पे हूं, एलपी पे हूं, इस पे क्लिक किया तो वर्तमान में कहां हूं, चंदवक में हूं। ठीक है, तो किसी पे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहां पे लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद यहां पे देखते हैं, यहां पे दिया है रोज और कॉलम का ग्रुप है, जो कि यहां से लेके, देखो निशान दिख रहा है बेटा, यहां से लेके यहां तक है, क्लियर। अब यहां पे देखो, ये देखो ध्यान देखना, ये बिड़ा बिड़ी दिया है, मतलब पंक्तियों के लिए है ना, और खड़ा खड़ी दिया है लाइन किसके लिए, ये कॉलम के लिए। नया कॉलम यहां से हम बाएं दाएं ले सकते हैं, या ऊपर नीचे हम नया पंक्ति लेते, पंक्ति हमेशा ऊपर नीचे होती है ना। तो चंदवक के नीचे मुझे एक नया पंक्ति लेना है, तो यहां पे दिया है इंसर्ट बिलो, मतलब जहां पे हो उसके नीचे खाली आ सकता है, यहां पे क्लिक करो, आ गया। ठीक है, इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया, बिलो मतलब नीचे, तो इसके नीचे आ गया, क्लियर। बहुत ध्यान से समझना, अगर मान लो यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं 4 5 6, ठीक है, लिख दिया, मैं आईपी पे आ गया। अब आईपी के ऊपर मुझे एक नया रो चाहिए, आईपी के ऊपर जिसपे मैंने क्लिक किया है अभी, तो यहां पे दिया इंसर्ट अबव, यहां पे क्लिक कर दो, देखो आ गया इंसर्ट अबव, तो जो लिखना है लिख सकते हो, क्लियर। तो यहां पे जहां पे आपने वर्तमान में क्लिक किया है उसके ऊपर या नीचे, ऊपर यहां से, नीचे यहां से आप ले सकते हो नई रोज मतलब पंक्ति। ठीक बेटा, अब मान लो चंदवक और चिटकों के बीच में मुझे नया एक कॉलम लेना है। ठीक बेटा, तो वर्तमान में आप कहां पे हो, आप चंदवक पे हो, तो चंदवक के लेफ्ट बाएं तरफ या राइट दाएं तरफ आपको लेना है, तो मुझे दाएं तरफ लेना है, तो यहां पे देखो कॉलम के लिए दोनों दिया है इंसर्ट राइट इंसर्ट लेफ्ट, मतलब यहां पे अगर राइट क्लिक करते हो तो इसके राइट में खाली कॉलम आएगा, आप अगर लेफ्ट क्लिक करते हो तो इसके लेफ्ट में, तो मैं इंसर्ट राइट करता हूं, देखो आ गया नया कॉलम, जो लिखना है लिख सकते हो, है ना। अब अगर इस, अब चंदवा के लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट पे क्लिक कर दो, देखो लेफ्ट चंदवा के लेफ्ट में आ गया। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा क्या दिया है बुक में, रो को डिलीट करना। ठीक है,
रो को डिलीट करने के लिए जिस रो को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करें। लेआउट के कॉन्टेक्चुअल टैब पर क्लिक करें। रोज कॉलम्स के ग्रुप पर क्लिक करें। एरो के नीचे खींचकर रो को चुनें। अब रो को डिलीट कर दें। सेल को बिना डिलीट करे उसके कंटेंट को डिलीट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करें और डिलीट बटन प्रेस कर दें। कॉलम डिलीट करना। कॉलम डिलीट करने के लिए जिस कॉलम को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करें। लेआउट के कॉन्टेक्चुअल टैब पर क्लिक करें। रोज एंड कॉलम्स के ग्रुप पर क्लिक करें। एरो के नीचे खींचकर कॉलम को चुनें। ओके बटन पर क्लिक करें। तो बच्चों मान लो ये जो कॉलम खाली कॉलम मुझे डिलीट करना है इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो जैसा कि लेआउट टैब में मैंने बताया था यहाँ पे आपका डिलीट ऑप्शन है, तो डिलीट में कई सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जा क्या दिया है, डिलीट टेबल मैंने किया था, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, ठीक है। मान लो मुझे ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, ठीक। क्लिक करने के बाद डिलीट पे गया, डिलीट कॉलम, देखो हो गया डिलीट। मान लो मुझे चंदवक वाला रो यहां से लेके यहां तक, मतलब पूरा का पूरा रो मुझे डिलीट करना है तो डिलीट पे जाओ, और ये लेआउट में है याद रखना, डिलीट रो, हो गया पूरा का पूरा रो डिलीट हो गया, बहुत आसान है। या आप राइट क्लिक करना चाहते हो, राइट क्लिक करके डिलीट करना चाहते हो तो ये सब मेनू प्रकट होगा, ठीक है। सब मेनू प्रकट होगा तो यहां पे भी डिलीट सेल, तो इंसर्ट दिया है, ठीक है। आप वही चीज देखो इंसर्ट से भी इंसर्ट कर सकते हो, है ना, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, और डिलीट सेल में जाओगे तो ये पूछेगा, ठीक है, कि आपको डिलीट एंटायर रो, डिलीट कॉलम, वही चीज है। आप अगर क्लिक करो तो एंटायर रो, यहां पे क्लिक करो तो देखो ये देखो वर्तमान वाली रो जो मैंने सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहां से भी अगर मान लो ये कॉलम डिलीट करना है पूरा तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम में जा क्लिक कर दो, देखो डिलीट हो गया, क्लियर। आपको ये ओपी वाला खाली डिलीट करना है, मतलब खाली शब्द डिलीट हो तो इसको सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने पर नीचे जो कीबोर्ड में डिलीट बटन दिया है उसको दबा दो, देखो शब्द डिलीट हो गए। इस पे भी सिलेक्ट करो और डिलीट बटन दबाओ, डिलीट हो गया, तो शब्द भी डिलीट हो जाते हैं, क्लियर। ओके आगे पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया है यहां पे, दिया है कि अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट। आगे पढ़ते हैं, किसी टेबल की सेल में टेक्स्ट की अलाइनमेंट करने के लिए 9 अलग अलग तरीके हैं। टॉप लेफ्ट डिफॉल्ट अलाइनमेंट, टॉप सेंटर, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट और सेंटर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो ये करने के लिए बेटा हमें इनमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो प्लस चिन्ह दिया है ना इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखे लो प्लस वाला चिन्ह ऊपर दिखे, उस पर क्लिक किया तो पूरा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हाइट, और हम मुझे खाली हाइट बढ़ानी है, ठीक है, तो उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाइट बढ़ाने के बाद ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखते चले जाता हूँ तो बेटर रहेगा आपके लिए, आपको समझ जल्दी आएगा, ठीक है। तो कुछ भी मैं लिख देता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें जो भी लिखना है लिख सकते हो, लिखने के बाद आपको अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लिखने के बाद मैं थोड़ा जूम करता हूँ बेटा, आपको समझ में आएगा। अब अलाइनमेंट क्या होता है, पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो ऊपर कोने पे लेफ्ट साइड ऊपर जो प्लस का चिन्ह दिखा है उस पर जाके क्लिक कर देता हूँ, देखो सिलेक्ट हो गया पूरा। अब अलाइनमेंट देखना यहाँ पे कहाँ पे, ये लेआउट में ही है, यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 दिया है। तो ये टॉप है, सबसे ऊपर वाला टॉप बोलते हैं, ये सेंटर है और ये बॉटम, देखो ये इनका नाम बुक में दिया है और देखो मैं करते हुए जा रहा हूँ ये अपने आप चेंजेस हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो रहा है, जैसा चाहो वैसा आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इनका नाम इस पे रखोगे तो बता देगा, देखो अलाइन टॉप लेफ्ट इस पे रखता हूँ बता रहा है, अलाइन टॉप सेंटर इस पे रखोगे तो अलाइन टॉप राइट, तो ऐसे ही जिस पे भी नाम रखोगे वो बता देगा, जो मैंने अभी पढ़ा, तो यहाँ से कर सकते हो आप। इधर भी आपको ऊपर नीचे करना है शब्दों को, अंकों को,
आप यहां से क्लिक करके उसको अलाइन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, बोलते हैं इस क्रिया को अलाइनमेंट बोला जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या दिया बेटा, दिया है आगे बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, पढ़ते हैं। एक सीमा के सभी स्लाइड से एक पैरा या पैराग्राफ के चारों ओर एक बॉक्स हो सकता है। ठीक है, यह एक या एक से अधिक स्लाइड के पैराग्राफ को बंद कर देता है। ठीक है, एक सीमा के एक पैटर्न के साथ एक पैराग्राफ भरता है। बॉक्स और लाइंस गहरे काले रंग की व शेडिंग हल्के ग्रे कलर की होती है। आगे पढ़ते हैं, बॉर्डर्स अप्लाई करना। पैराग्राफ में बॉर्डर्स, तो फिर से पढ़ते हैं, बॉर्डर्स अप्लाई करना। पैराग्राफ में बॉर्डर सप्लाई करने के लिए प्रविष्ट पैराग्राफ में कहीं भी बिंदु स्थित एक सीमा में संलग्न या कई अनुच्छेदों का चयन करें या जिस टेक्स्ट में पैराग्राफ लगाना हो उसे चुनें। दूसरा, अनुच्छेद समूह में बॉर्डर्स व शेडिंग पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेनू प्रकट होता है, आप पैराग्राफ में शेडिंग लगाने के लिए किसी एक को सिलेक्ट करें। अनुच्छेद समूह में, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ होता है बेटा, याद रखना। थर्ड, अनुच्छेद समूह में बॉर्डर्स व शेडिंग ऑप्शन चुनें। बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। चौथा, ऑप्शन में से चुने इफेक्ट, नन, नो बॉक्स और बॉक्स शेडो, 3D कस्टम। पांचवा, सेटिंग करने के बाद स्टाइल स्क्रॉल लिस्ट से स्टाइल को चुने। स्टाइल का उपयोग लाइंस के बॉर्डर बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कलर में। आप बॉर्डर में जो कलर करना चाहते हैं उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चुने। टेक्स्ट में डिफॉल्ट कलर का उपयोग करने के लिए ऑटो ऑप्शन चुने। चौड़ाई में ड्रॉप डाउन में बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए लिस्ट होती है। प्रीव्यू बॉक्स टेक्स्ट में अप्लाई किए गए बॉर्डर को दिखता है। अप्लाई करना, पैराग्राफ के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर यह उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं। दसवां, क्लिक ऑप्शन, इससे डायलॉग बॉक्स सामने लाते हैं। बारहवां क्या दिया है, अगर जरूरत हो डायलॉग बॉक्स में बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच के गैप को निर्दिष्ट करें। ओके पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, है ना। बॉर्डर थोड़ा कलरफुल या मोटा पतला इसको कर सकते हैं ना, लाइनिंग को जितना भी है इस टेबल में, इसको टेबल बोलते हैं, इस टेबल में जितने भी बॉर्डर है मतलब ये लाइन वगैरह जितने, इनको बॉर्डर बोलते हैं। शेडिंग मतलब कलर देना, बॉर्डर मतलब क्या होता है, इनको मोटा पतला करना, और शेडिंग मतलब कलर करना। इसको कैसे करेंगे तो चलते हैं। यहाँ पे देखो डिजाइन टैब दिया, जूम करता हूँ मैं बेटा। यहाँ पे देखोगे डिजाइन टैब, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे दिया है शेडिंग और बॉर्डर। तो बॉर्डर पे चलते हैं। बॉर्डर पे जाने के बाद जो बॉर्डर मुझे निकालना है, एक तरीका पहले यहाँ देख लो, नीचे आते हैं, बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया है बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल कलर विड्थ। ठीक है, तो बॉर्डर कैसा चाहिए, मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए, इस पर क्लिक किया। अगर खाली बॉक्स चाहिए तो बॉक्स, ये पैराग्राफ लगाया जाता है तो अभी इसकी जरूरत नहीं, हमें टेबल, इसका टेबल जरूरत है, टेबल पे ऐसा होता है, इसे क्लिक किया। अब स्टाइल कैसे चाहिए, स्टाइल में देखो इसको ऊपर नीचे करता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारा है, अलग अलग है, तो मान लो मुझे ऐसा चाहिए, इसे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है ऐसा, ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ऐसा आएगा, इस पे क्लिक किया तो ऐसा आएगा, जो भी आपको अच्छा लगे ना बेटा, तो उस पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे कलर देना है इस बॉर्डर का कलर, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो भी कलर देना चाहते हो, रेड किया तो यहाँ पे देखो रेड आ गया। अलग कलर देना है तो आप अलग कलर दे सकते हो, अलग कलर आ गया। यहाँ पे बॉर्डर की चौड़ाई, लाइन की चौड़ाई कितनी होती है बेटा, जितना आपको देना है, देखो 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर जो कुछ भी देना हो, इस पे क्लिक किया मैंने, इस पे क्लिक किया, देखो ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे ऐसा आएगा, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज है, यहाँ पे पेज का बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, पेज का बॉर्डर जैसे पूरे पन्ने का बॉर्डर, यहाँ पे ऐसे बॉक्स पे क्लिक कर दिया, देखो ऐसा आ गया। ठीक है, ओके कर दो, क्लिक किया। तो ध्यान देखना, मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो पेज का बॉर्डर भी आ गया। ठीक, अगर ऊपर नीचे करेंगे तो देखो नीचे तक पेज का बॉर्डर आ गया है। ठीक है, ऊपर नीचे, क्लियर। अब ये तुम्हारा कलर भी हो गया। ठीक है, तो एक चीज और देखते हैं। ठीक बेटा, थोड़ा जूम करता हूं,
थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ क्लिक करके, शेडिंग में देखते हैं क्या होता है, शेडिंग में जाते हैं। अब देखो यहाँ भी देख रहे हो, जिस भी कलर पे मैं खाली माउस घुमा रहा हूँ तो कलरफुल हो जा रहा है ना बेटा। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे क्लिक कर दो। वैसे याद रखना कि ये कलर नहीं किया जाता है, आप अगर नौकरी करने जाओगे बेटा तो ये सब कलर वगैरह नहीं किया जाता, बॉर्डर शेडिंग नहीं किया जाता है, है ना। बॉर्डर शेडिंग नहीं किया जाता है, खाली आपको इंटरनेट पे दिखेगा, है ना। लेकिन नौकरी में आपको सादा काम होता है, ये कलरफुल जरा भी नहीं होता, एकदम ये मोटा पतला नहीं, सीधा नॉर्मल काम होता है, तो याद रखना। लेकिन सब कुछ यहाँ पे दिया है तो बताता हूँ, कभी कोई जरूरत पड़ती है जैसे आपको कलरफुल प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए, प्रचार वगैरह करने के लिए, है ना, तो वो सब यहां से होता है। तो यहाँ शेडिंग में जाइए आप, जो कलर से क्लिक कर दो, देखो पूरा पूरा यहाँ पे बाहर क्लिक कर दो, देखो ऐसा आ गया, क्लियर। तो ये हो गया बॉर्डर और शेडिंग, ठीक है, अप्लाई करना भी मालूम पड़ गया। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है बेटा, आगे पढ़ते हैं, दिया है कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कमांड से एक बॉक्स को रिमूव या दिया है लाइन को बदलने के लिए। आप जिस बॉक्स या लाइन को बदलना चाहते हैं उस पैराग्राफ को चुने, पैराग्राफ ग्रुप से बॉर्डर या शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सभी सीमाओं को दूर करने के लिए ग्रुप में कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। स्टाइल बॉक्स में आप अनेक ऑप्शन चुनकर अपने लाइन को जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं। कलर लिस्ट बॉक्स में आप विभिन्न प्रकार के कलर चुन सकते हैं, चुने हुए बॉक्स छाया 3D या कस्टम से बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ओके बटन पर क्लिक करें, क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं एक लाइन या बॉक्स हटाने या बदलने के लिए आप जिस बॉक्स या लाइन को बदलना चाहते हैं उस पैराग्राफ को चुने, पैराग्राफ ग्रुप के होम टैब से बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऑप्शन की एक लिस्ट दिखाई देती है, सभी बॉर्डर को हटाने के लिए नो बॉर्डर ऑप्शन को चुने। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे बॉर्डर मुझे हटाना है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे बॉर्डर पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखेगा, यहाँ पे जाता हूँ हटाने के लिए, बॉर्डर हटाना है मुझे, बॉर्डर पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ नो बॉर्डर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करो, कहीं भी टेबल पे क्लिक कर दो और फिर ये प्लस पे क्लिक करो, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जाओ बेटा, जाने के बाद यहाँ पे नो बॉर्डर दिया, क्लिक कर दो, देखो पूरा का पूरा बॉर्डर गायब हो गया, ठीक है। अगर आपको चाहिए बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो नीचे वाला बॉर्डर आ गया, नीचे वाला बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर वापस क्लिक करो, मुझे आपको चाहिए टॉप बॉर्डर, ऊपर वाला बॉर्डर देखो आ गया, लेकिन पूरा सिलेक्ट होना चाहिए, है ना, पूरा सिलेक्ट। आप बॉर्डर पे क्लिक करते हो, देखो ऊपर वाला बॉर्डर आ गया, आपको पूरा अगर चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करो ऑल बॉर्डर, ठीक बेटा, ये ऑल बॉर्डर आ गया, क्लियर। तो यहां से आप टॉप बॉटम नीचे वाला बॉर्डर, बाएं वाला दाएं वाला, जितना हटाना या ऊपर से डालना चाहते हो आप यहां से क्लिक कर सकते हो, क्लियर, वही बताया यहाँ पे। और एक चीज, और अगर मान लो पैराग्राफ में मुझे बॉर्डर डालना है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा लिखता हूँ इज इक्वल टू रैन, है ना, RAND, ठीक है, ब्रैकेट पैरेंथेसिस डाल देता हूँ मैं, ओके क्लिक किया। तो मान लो मुझे इस पैराग्राफ पे एक बॉर्डर डालना है, तो बेटा मैं यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो देखते हैं लेकिन नहीं दिखा रहा है ना, अगर नहीं दिखा रहा है तो कहाँ जाएंगे हम, ध्यान देखना, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे बेटा, देखो ये होम टैब पे, और आते हैं पैराग्राफ ग्रुप पे आते हैं, यहाँ पे देखो दिया है वही वाला चीज, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दो, ये देखो आ गया, ठीक है। तो ये इससे भी आप कर सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ वर्ड में नहीं दिया है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बोल्ड मोटा कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, देख रहे हो, अंडरलाइन कर सकता हूँ, या कलरफुल कर सकता हूँ इसको, या यहाँ पे मैं दूसरा ये दे सकता हूँ, कलर अलग दे सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा कर सकता हूँ फॉन्ट को, ठीक है, सिलेक्शन के बाद किसी भी फॉन्ट को मैं बड़ा कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल के अंदर, या कहीं भी बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ, और भी छोटा कर सकता हूँ, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, आप इसको इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा सेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। एक चीज और, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट दिया है, इसको मैं यहां से हटा के यहां रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो इसको, यहाँ पे कट करो, ठीक, फिर यहाँ पे क्लिक करो,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेटा पेस्ट कर दो, आ गया ठीक है। अगर मुझे यहाँ भी रहे तो इसको डबल क्लिक करो, सिलेक्ट हो गया, फिर कॉपी पे क्लिक करो, ये बुक में नहीं दिया है, मैं बुक ज़्यादा बता रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट ये सब कमांड ठीक, ये छोटे वैसे तो समंदर होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्या दिया है आगे देख, आगे पढ़ते हैं बेटा क्या दिया है, शेडिंग अप्लाई करना ठीक है, शेडिंग बता ही दिया है मैंने, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं क्या दिया है कि अप्लाइंग शेडिंग में शेडिंग काले रंग के विभिन्न प्रतिशत या चयनित रंग में और पैटर्न में लागू किया जा सकता है। काला का प्रतिशत विभिन्न तीव्रताओं के हंतले के रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्येक छाया या पैटर्न के लिए आप एक अग्रभूमि या पृष्ठभूमि रंग का चयन कर सकते हैं। रंग एक सफेद काले और प्रिंटर पर भूरे रंग या पैटर्न में बदल जाते हैं ठीक है। माउस के साथ पैराग्राफ को शेड करने के लिए उस टेक्स्ट पैराग्राफ को चुनें जिस पर आपको शेडिंग अप्लाई करना है। पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करें, बॉर्डर्स और शेडिंग को चुनें। बॉर्डर्स और शेडिंग में शेडिंग टैब के प्रॉपर्टी शीट पर क्लिक करें। जिस कलर की आप शेडिंग करना चाहते हैं उस कलर को उस बॉक्स में भर देते हैं या नन पर क्लिक कर शेडिंग कलर को हटा देते हैं। स्टाइल, इस ड्रॉप डाउन सूची में आप इसकी शेडिंग बदलने के लिए व कलर भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कलर, इस लिस्ट चयनित शेडिंग पैटर्न में लाइन और डॉट्स के लिए एक रंग पर क्लिक करें। कलर बॉक्स, आप स्टाइल में रंग क्लिक करें तो बॉक्स दिखाई नहीं देती है। 1% पैटर्न या 1% बैकग्राउंड को कलर करने के लिए लिस्ट से कलर को चुनें। चुने हुए ऑप्शन का प्रभाव बॉक्स में दिखाई देता है। ओके पर क्लिक करें। सिलेक्ट किए गए शेडिंग ऑप्शन को पैराग्राफ में अप्लाई करें। माउस का उपयोग कर शेडिंग हटाने के लिए जिससे आप शेडिंग हटाना चाहते हैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। बॉर्डर्स और शेडिंग के डायलॉग बॉक्स से शेडिंग टैब को चुनें। पैटर्न समूह से कई भरण समूह से भरने के लिए कोई स्टाइल चुनें। ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पे दिया है बेटा कि जैसे मान लो ये शेडिंग जो मैंने किया है ठीक है, यहाँ पे टेबल जस्ट इसको हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करो, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको, तो बेटा पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है। सिलेक्ट हो गया, अब डिजाइन में जाओ, शेडिंग में जाओ, यहां पर क्लिक करो, यहां पे नो कलर दिया है इस पर क्लिक कर दो। ये देखो पूरा को फिर बाहर क्लिक कर दो, देखो पूरा कलर हट गया ठीक है। और ये शेडिंग मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैं जूम करता हूं, फिर से बताता हूं क्योंकि जूम नहीं किया था। यहां पर क्लिक कर दो अंदर और फिर यहां पर क्लिक कर दो ठीक है। तो शेडिंग, ये शेडिंग पहले से था ठीक है, ये कलर हटाना है मुझे, शेडिंग मतलब कलर इसको हटाना है। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग में जाओ, शेडिंग में ठीक, शेडिंग में जाने के बाद बेटा यहाँ पे क्लिक करो, नो कलर दिया है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो कलर हट जाएगा। और बाहर क्लिक करो, बाहर मतलब खाली जगह पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे हट गया, कलर हट गया। ऐसे मान लो इसका हटाना है बेटा, ये जो पैराग्राफ शेडिंग किया है इसको पूरा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद बेटा ठीक है, आप यहाँ पे चल दो मिनट रुक जाओ, यहाँ बताता हूँ ठीक है। पैराग्राफ हटाने बेटा तो इसको पहले सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे जाओ होम के अंदर बेटा, ये जो कलर है सॉरी हाँ इस पे जाओ और इस पे नो कलर पे क्लिक कर दो, देखो हट गया पूरा पूरा क्लियर। अब आप चाहते हो कि ये कलरफुल जो है इसको भी हटाना है, इसको पूरा सिलेक्ट करो, मतलब ब्लैक ब्लैक ही होना चाहिए, ये रेड कलर नहीं रहना चाहिए, टेक्स्ट का कलर है ना, तो यहाँ टेक्स्ट कलर पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे व्हाइट वाले पे क्लिक कर दो, लेकिन व्हाइट वाला क्या होगा पूरा हट जाएगा। अब ब्लैक पे ऑटोमेटिक क्लिक कर दो, सबसे बेस्ट, तो ऑटोमेटिक क्लिक कर दो, देखो जैसा था वैसा ब्लैक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ये टेढ़ा है, टेढ़ा मतलब इसको सिलेक्ट करो, ये जो इटैलिक हमने दिया है वापस सही करना है, इस पर क्लिक कर दो, देखो वापस ये सही हो गया। ये जो बोल्ड हमने दिया था बोल्ड हटाना है, इस पर क्लिक कर दो, देखो बोल्ड भी हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा है ना। तो जिस कमांड को आप यूज करते हो, उपयोग करते हो, उस कमांड को दोबारा उपयोग करोगे तो वो जो आपने उसमें बदलाव किया है वो बदलाव हट जाएगा। ये नॉर्मल चीजें हैं ठीक है। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है बेटा ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर पूरा हो गया है। और एक बात और कि अभी ये जो चैप्टर है ये
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये जो चैप्टर है ये पूरा हो गया है। आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको वीडियो में ना समझ में आए तो मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब भी सेकंड चैप्टर से जो भी वीडियो सेशन होता है, जो भी लेक्चर होता है, उसमें हर एक टॉपिक को लिखा करो। हर एक, आपके पास अगर बुक नहीं है तो हर एक हेडिंग को लिखा करो, अगर है तो भी अपने हिसाब से लिखो, क्योंकि प्रैक्टिकल करते टाइम आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या प्रैक्टिकल करना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। आपने थ्योरी किया है तो आपको थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकल आना चाहिए। क्लियर? ये दिमाग में रखना। अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैं इसको स्टॉप करता हूं।